अविद्या या अविद्या, या जिसको विद्या नहीं है, यानी कि अज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है। जो पटिच्य समुत्पाद है या प्रतित्य समुत्पाद है या धम्म चक्र है या सुदर्शन चक्र है या चक्रव्यूह है या चक्कर है या धर्म का जो चक्र माना जाता है या जिसको डिपेंडेंट और ओरिजिनेशन बोलते हैं या कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं, ये भगवान बुद्ध का जो बोधि वृक्ष के नीचे खोजा गया सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट आज तक का सिद्धांत है जो जीवन के बारे में दिया गया है। इससे बेहतर सिद्धांत अभी तक दुनिया में कोई और आया नहीं है और ये सत्य पर आधारित है क्योंकि इसको हर एक मनुष्य चेक कर सकता है, देख सकता है कि ये काम करता है या नहीं। इसलिए ये अनबीटेबल है, इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। इसको जीवन का चक्र भी बोलते हैं, भव चक्र भी बोलते हैं। यही भव चक्र है। इस भव चक्र का, जीवन चक्र का या धम चक्र का या जो लाइफ का चक्र है, इसकी 12 कड़ियां हैं। उन 12 कड़ियों में जो पहली कड़ी मानी जाती है और जो बताई जाती है वो अविद्या है। अविद्या का जो मतलब है, यहाँ साधारण भाषा में कोई कह सकता है, जैसे संस्कृत भाषा में इसको अविद्या बोलते हैं कि विद्या नहीं आई। विद्या आज की डेट में एजुकेशन को बोलते हैं कि शिक्षा इसके पास नहीं है, जानकारी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, विद्या नहीं है। मगर उस समय कहीं अक्षर ज्ञान या कोई यूनिवर्सिटी के कोई कागज या कोई पेपर या किताब या पत्थर की सिलाओं पर कोई लिखावट या कोई स्क्रिप्ट ऐसा नहीं था। और यहाँ कोई अक्षर ज्ञान से भी इसका मतलब नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि विद्या का मतलब अक्षर ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अक्षर ज्ञान की बात नहीं हो रही है, अल्फाबेट की बात नहीं हो रही है, क ख ग की या ABCD की बात नहीं हो रही है कि वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। अविद्या या अविद्या, अविद्या पाली में बोलते हैं, अविद्या का मतलब है आपको 4 सत्य बातें जो भगवान बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षाओं में, सबसे पहले सारनाथ में 5 भिक्षुओं को समझाई, वो 4 जो सत्य हैं जिनको 4 नोबल ट्रूथ या 4 आर्य सत्य बोलते हैं। ऐसे सत्य जो आपको आर्य बना सकते हैं। आर्य का मतलब उन दिनों जो होता था वो होता था श्रेष्ठ, यानी अच्छा बना सकते हैं। कौन से 4 सत्य हैं? दुख है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। दुख का कारण है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। कारण का निवारण है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। और उसका रास्ता भी है जिस पे चल के दुख को दूर किया जा सकता है, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। ये 4 सत्य हैं जो आपको श्रेष्ठ बना सकते हैं, आर्य बना सकते हैं, दुख मुक्त बना सकते हैं, जो दुखों से दूर दूर कर सकते हैं। इन्हीं को नोबल ट्रुथ बोलते हैं। अविद्या जो होती है इन्हीं पर आधारित है। अब अविद्या या अविद्या या अज्ञानता या आपको नॉलेज नहीं है, ये किस चीज़ की नॉलेज नहीं है? जो आपको दुख आता जा रहा है, यानी उन बातों की जानकारी आपको नहीं है जो दुख का कारण है और जो दुख लेके आते हैं। ये बहुत सिंपल सा और बहुत साधारण है। कोई इसको बहुत गूढ़ रहस्य में बता सकता है, मगर भगवान बुद्ध ने जो बताया ये बहुत सरल भाषा में और बहुत सिंपल तरीके से बताया। कैसे काम करती है अविद्या? एक लड़का कहीं जा रहा है घूमने के लिए और वो घूमने कहीं बाहर पहाड़ों पे गया या मैदान में गया या समुद्र में गया या किसी देश गया या विदेश गया। वहाँ वो घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है घूमने में, और वहाँ उसका संपर्क एक फीमेल से, एक महिला से होता है। वो महिला से बातचीत करता है, उसके साथ दोस्ती हो जाती है, घूमता फिरता है। उसके बाद जब वो वापस लौटता है तो अब वो 3 बातें उसकी हो सकेंगी। या तो उस महिला की याद को लेके वो साथ आएगा, या उसकी याद वहीं छोड़ के आएगा, या याद साथ आएगी या नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसकी महिला की याद को साथ लेके आता है तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर वो महिला, यानी जो वो नारी है, अगर वो उसको बार बार याद आती है, उसकी अच्छाई याद आती है, उसकी बातें याद आती हैं, तो वो अविद्या में यानी अज्ञानता में लगातार उसको बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है कि उसका मन उन बातों को, उससे बात करने को या चीत करने को, उसे देखने को या उसका समीप्य प्राप्त करने को, उसका साधन्य प्राप्त करने को बार बार कर रहा है। जितनी बार वो रिपीट करेगा उतनी बार ही मन ज़्यादा करेगा। तो ये उसको ज्ञान नहीं है कि वो कर क्या रहा है। बेसिकली वो अपने अंदर
उसकी जगह बना रहा है और वो जगह बड़ी होती जा रही है। अगर वो सिर्फ उसकी बात को याद करे और बार बार रिपीट ना करे और छोड़ दे तो फिर वो जगह बहुत कम बनेगी और वो दुख नहीं देगी, और वो अगर उसको वहीं छोड़ देता है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, उसके अंदर कुछ बनेगा नहीं। तो अविद्या पच्चे संखारा, यानी कि अविद्या के बाद जो कड़ी आती है वो आती है संखारा की। संखारा की कड़ी मैं बाद में बताऊंगा, मगर संखारा की जो माँ है वो अविद्या है, यानी अविद्या है, यानी वो ज्ञान है जो पता नहीं चलता। ये काम बहुत तरह से होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा एक चॉकलेट का पीस खा ले, चॉकलेट का पीस जब वो जीप पर रखेगा तो उसको वो कैसा लगता है, अगर वो उसको अच्छा लगता है तो बार बार मांगेगा, बार बार बोलेगा, वो बोलना नहीं जानता उसकी तरफ दौड़ेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, बार बार माँ उसकी समझ जाएगी कि इसको क्या खिलाया था, क्या पिलाया था, ये क्या मांग रहा है। यानी छोटे बच्चे ने उस अविद्या के कारण उस चॉकलेट के प्रति मोह पैदा कर दिया जो उसको दुख दे रही है, और छोटा बच्चे को आपने मिर्च खिला दी या चाट खिला दी, उसके बाद में उसको जीभ में बेकार लगी, वो उससे दूर भागेगा। जब भी आप चम्मच से उसको खिलाओगे, उसको टेस्ट नहीं आया, वो नहीं लेगा उसको। तो ये अविद्या छोटे बच्चों से लेके, अविद्या या जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, छोटे बच्चों से लेके और बूढ़े और मरने वाले आदमी तक के अंदर भी लगातार बनती और बिगड़ती रहती है। जैसे कोई दृश्य बहुत अच्छा लगा आपको किसी शहर का या किसी गांव का, या और आपका बार बार वहां जाने का मन करे, बार बार वहां जाएं, तो ये अविद्या के कारण आपने अपने अंदर एक रोग, एक डिसीज आपने पैदा कर ली बार बार वहां जाने की। इसको क्रेविंग भी बोलते हैं, जो बाद में चैप्टर आएगा। तो अविद्या दुख का सबसे पहला कारण है। यानी आप जीवन में जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो चख रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, और जो शरीर में जितने भी स्पर्श आपके मिल रहे हैं, उसके कारण तीन तरह की स्थिति आप बना रहे हैं। या तो वो आपको चाहिए, या आपको नहीं चाहिए, या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इन तीनों ही कंडीशन में एक सिस्टम के अंदर एक फाइल जनरेट होती है, उस फाइल से आगे का काम स्टार्ट होता है जो 11 कड़ियों में बनता है। इस फाइल को संखारा बोलते हैं। तो अविद्या यानी अविद्या यानी इग्नोरेंस यानी अज्ञानता यानी कि ना समझी, यानी कि जो आप बालक जैसी या मूर्खों जैसी स्थिति जो पुरानी भाषा में बताई जाती है जो आप कर रहे हैं, उसके कारण आप अपने शरीर के अंदर कुछ ना कुछ 24 घंटे डाल रहे हैं जो आपको प्रसन्न करता है। आपने 100 रुपये इकट्ठे कर लिए, अब आपको 101 रुपये इकट्ठे करने हैं, 200 इकट्ठे करने हैं, या आपने 6 घंटे काम करके 5000 रुपये कमाए तो आपको 12 घंटे काम करके 10000 कमाने हैं। आपकी ज़रूरत है या नहीं है, मगर वो एक जो लालच है वो अज्ञानता या अविद्या के कारण आपके अंदर आ गया, वो तो वो उस वजह से आपको परेशान करेगा, आपको दुख आएगा। ये जीवन में लगातार चलता रहता है। कुछ बातें फेमस होती हैं, जैसे नशा करना या शराब पीना होता है, वो जल्दी हमें एक्सेप्ट हो जाती हैं। किसी को काम का हो सकता है 24 घंटे, जैसे जापान के अंदर कहते हैं कि वहाँ अविद्या के कारण लोग बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, इतना काम करते हैं कि उनके यहाँ जो बच्चे और जवान हैं उनकी स्थिति खराब हो गई है और बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा काम करना भी एडिक्शन हो गया है, एडिक्शन होने से, अविद्या होने से उनको परेशानी महसूस होती है। तो अविद्या बहुत तरह की हो सकती है कि आपका काम के प्रति लालच पड़ गया है, काम पॉजिटिव है मगर अगर उसकी संख्या बढ़ जाए तो अविद्या हो गई। तो अविद्या के कारण कुछ भी हो सकते हैं, कहीं जाने का बहुत ज़्यादा, किसी को ट्रैवल करने की अविद्या है, या किसी को बहुत ज़्यादा खाना खाने की अविद्या है। तो अविद्या दुख का पहला कारण है जो अज्ञानता में हो रहा है और हम उसको कभी चेक नहीं करते, देखते नहीं हैं, उसको हम समझते नहीं हैं कि ये क्यों हो रहा है। बस हम करे जाते हैं और वो डिसीज हमारे अंदर बनी जाती है। प्रत्यय समुत्पाद का ये पहली कड़ी है। उसके बाद जो दूसरी आती है वो आती है संखारा, यानी कि जो कोड फॉर्मेशन होती है अविद्या पच्चे संखारा, और संखारा भी आगे जाके बनाता है। ये सब एक दूसरे के जननी होते हैं, एक दूसरे की बर्थ होते हैं, एक दूसरे की मदर होते हैं, यानी कि अविद्या जो है वो संखारा की मदर है। धन्यवाद।